टोक्यो पैरालंपिक में अब नीला खेरा एक के बाद एक कमाल करती हुई नजर आ रही है। देश की इस बेटी ने मौजूदा पैरालंपिक में पहले ही गोल्ड मेडल भारत की झोली में डाला हुआ है और अब उन्होंने महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। अब नीला खेरा फाइनल में 445.9 का स्कोर कर तीसरे स्थान पर रही। वहीं इस स्पर्धा में कुलपिंग झांग ने 457.9 का स्कोर कर स्वर्ण पदक जीता। साथ ही जर्मनी की हिल ड्रॉप नताशा ने 457.1 का स्कोर कर रजत पदक जीता। अब नीला खेरा ने इससे पहले महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था। उन्होंने फाइनल में 7वें स्थान के साथ क्वालिफाई किया था और कुल 621.7 अंक हासिल किए थे। देश में दोबारा से हुई शानदार जीत पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अवनी को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, टोक्यो पैरालंपिक में और अधिक गौरव, अवनी लखेरा के शानदार प्रदर्शन से उत्साहित हूँ, उन्हें कांस्य पदक जीतने के लिए बधाई, भविष्य के प्रयासों के लिए उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब तक मौजूदा पैरालंपिक में भारत देश ने 12 पदक जीत लिए हैं। पैरालंपिक इतिहास में टीम इंडिया सबसे खास प्रदर्शन पर रही है। भारत के खाते में फिलहाल 2 गोल्ड, 6 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल हैं। पैरालंपिक में भारत के लिए सुबह से ही खुशखबरी है, दिन में 2 मेडल भारत की झोली में आ गिरे हैं। जी हाँ, अवनी से पहले प्रवीण कुमार ने पुरुष ऊंची कूद T64 इवेंट में देश को रजत पदक दिलाया है, जिससे भारत में आए पदकों की संख्या बढ़ गई है। इन खेलों में देश के पदकों की संख्या 12 तक पहुंच गई है।